सभी साथियों को जय भीम, जय वाल्मीकि, जय भारत, जय संविधान। मैं आपका भाई श्रीकांत चौहान, वीर वाल्मीकि ग्रुप अध्यक्ष, आपका बेटा, सभी भाई जल्दी से जल्दी चुनें। आज बहन मनीषा के लिए आज मैं लाइव आया हूँ। सभी भाई जल्दी से जल्दी जुड़ें। आज जो उन सुअर बच्चों ने हमारी बहन के साथ जो दुष्कर्म किया है, उन सुअर के बच्चों को बताने के लिए आया हूँ। सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइव से जुड़ें और शेयर करते चलें। विवेक साहू जी जय भीम, रिंकू साग्या जी जय भीम, राकेश क्रांति जी जय भीम, सभी भाई शेयर करते चलें। आज उन सुअर के बच्चों को छठी का दूध याद दिलाना है। क्या ऐसे ही हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार होता रहेगा और हम सहते रहेंगे? अब समय बचा नहीं है कि हम अत्याचार सहते रहें। समय के साथ हमें भी बदलना पड़ेगा। आज कान तरस गए हैं सुनने को कि बहुजन समाज के लोगों ने आज वहां पे किसी को मारा, किसी ठाकुर को मारा, किसी पंडित को मारा। आज जहां कहीं भी देखो सिर्फ एक ही आवाज आती है कि आज वहाँ पर दलितों को पीटा गया, आज वहाँ पर बहुजनों को पीटा गया, आज वहाँ पर उस बेटी का रेप कर दिया गया। कब तक हम इस चीज़ को सहते रहेंगे? आज मैं हाथरस कांड जो हुआ है, हमारी बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए आया हूँ। सभी भाइयों से कहना चाहूँगा कि शेयर करते रहें। सभी भाइयों को जय भीम। अब समय नहीं है कि कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि हैं ये हम देते रहें। अब समय आ गया है कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, गोली बंदूकों से देना पड़ेगा। आज हमारी बहन का कोई भी रेप कर जाता है और साले हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं। कब तक ऐसा होगा? कब तक हम सहेंगे जी? सब मैं इस मनुवादी सरकार को बता देना चाहता हूं कि आज जो तुमने जो दलित समाज की लड़की के साथ भेदभाव किया है, कि यहाँ से तो तुम कहते हो कि एम्स भेज रहे हैं और वहाँ पर जाकर सफदरगंज में आप इनको करवाते हो एडमिट। क्या हमारी यही वो रहेगी इस देश में? हम लोगों के साथ भेदभाव होता रहेगा? कब तक? मैं बता देना चाहता हूँ सभी को, जो भी कोई सुन रहा है, इससे सुधर जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो सुधार दिया जाएगा ढंग से। चौदह तारीख का ये केस है, ये
और आज तक इनको जो SC ST एक्ट जो लगाया था उसके अकॉर्डिंग जो पैसा मिलता है इलाज के लिए वो आज तक नहीं मुहैया कराया है। अगर यही कोई स्वर्ण समाज की लड़की होती तो उसके लिए तुरंत सब सारा सब कुछ करा दिए जाते। आज ये वाल्मीकि समाज की, आज ये दलित समाज की, आज ये बहुजन समाज की बेटी है तो उसके साथ यह बर्ताव किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन कान खोल के जे सुन ले कि अब हम रुकेंगे नहीं। अभी तक उनको धमकियां दी जा रही हैं कि उन्नाव कांड करेंगे। जो ठाकुर जो लोग हैं जिन्होंने जे प्रकरण किया है ये बोल रहे हैं कि उन्नाव कांड करेंगे। सालों हाथ लगाते ही हाथ काट दिया जाएगा। अब तुम्हारा बहुत हुआ, जो तुम्हारे तलवे चाट रहे हैं वही तुम्हारे तलवे चाटेंगे। क्या समझ रखा है? हाथरस DM साहब, आपको बता देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को 2 लाइसेंसी गन मिल जानी चाहिए। उनको कोई भी आके धमकी देगा और हम यहाँ पे देखते रहें, और तुम लोग क्या कर रहे हो? जो तुम्हें जो सीटें मिली हैं तुम क्या कर रहे हो? एम्स की भेज के, एम्स की कहकर तुम यहाँ से रेफर कराते हो और दूसरे अस्पताल में भर्ती करा देते हो। आज तक पीड़ित परिवार का जो SC ST एक्ट का 8.5 लाख रुपया था वो नहीं दिया। कल मैं दोबारा आ रहा हूँ और देखूँगा कि कौन धमकी दे रहा है और कौन नहीं दे रहा है। बोल रहे हो ना कि मार देंगे, जे कर देंगे, वो कर देंगे, आ रहे हैं। देखेंगे सबको कल कौन क्या करेगा। सरकार सुन ले जे कान खोल के। समय बदलते देर नहीं लगता है और सीट बदलते हुए भी देर नहीं लगेगा। हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए अभी तक हम शांत हैं। लेकिन जब हद से ज्यादा होगी तो फिर देख लिया जाएगा ढंग से। और जितना तुम जे जातिवाद, भेदभाव, धर्म वर्म कर रहे हो, एक दिन सब सामने आने वाला है तुम्हारा। बहन को जल्दी से जल्दी जो SC एक्ट का पैसा है वो मिलना चाहिए। हम कल आ रहे हैं और बात करेंगे। अभी तक ये प्रकरण में जो ये है ये क्यों नहीं दिया गया? जे हमारे ही ऊपर जुल्म क्यों? सभी भाइयों से निवेदन है वीडियो को शेयर करते रहें। सभी भाई वीडियो को शेयर करते रहें। जय भीम भाई। ये पूरे देश की आवाज है और पूरे देश को ये समझना पड़ेगा। ये किसी एक घर की लड़ाई नहीं है। जे आज अगर तुम घर में बैठे रह गए तो आने वाला फिर समय तुम्हारी बहन के लिए होगा। आज अपनी एकता को दिखा दो।
और पूरे देश की मांग ये है कि उन पांचों हत्यारों को फांसी होनी चाहिए, उन पांचों को फांसी होनी चाहिए। ये पूरा देश की मांग है, ये पूरे बहुजन की मांग है, ये पूरे दलित की मांग है, ये उस बेटी की माँ की मांग है, ये उस बहन के भाई की मांग है। क्या उन पांचों को फांसी दी जाए। सभी भाई वीडियो को शेयर करें। आपसे कह देना चाहता हूं, आसमां बेरंग है बेरंग सही, आसमां बेरंग है बेरंग सही, धरती तंग है तो तंग सही। हम अमन चाहते हैं जंग नहीं, मगर तुम जंग चाहते हो तो फिर जंग सही, मगर तुम जंग चाहते हो तो फिर जंग सही। याद रखना मेरी बातों को। जय भीम साथ साथियों, फिर मिलेंगे।